हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। ये गाइस, कोई व्लॉग नहीं होने वाला मेरी पिछली वीडियोस की तरह। आज जो गाइस मैं आपको बताने वाला हूँ मेरी 12th की पूरी जर्नी। मेरे को पता है बहुत ज़्यादा लेट है, क्योंकि रिजल्ट आए हुए भी गाइस अभी 3 महीने से ऊपर हो चुके हैं। ये वीडियो बहुत लेट आ रही है, लेकिन गाइस मैं क्या बोलूँ, थोड़ा सा आलस आ रहा था मतलब वीडियो बनाने में, क्योंकि ये बहुत बड़ी बन रही थी लगातार। जब जब मैं बना रहा था इसको छोटा कैसे करूँ, यही सोच रहा था मैं बार बार। तो स्टार्ट करते गाइस आज की वीडियो को। मुझे पता है गाइस कि आपको ये वीडियो देख के बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, तो प्लीज़ एंड तक देखना, और कुछ भी पसंद आए तो लाइक करना मत भूलना। और अब स्टार्ट करते वीडियो। ये उस समय की बात है जब धरती पर पाप और जुर्म बढ़े जा रहा था, चारों ओर हाहाकार मचा हुआ था, लोगों पर अत्याचार किए जा रहे थे, पाप और आतंकवाद अपनी चरम सीमा पे थे। माफ करना, मैं इधर उधर उस समय इधर उधर निकल जाता हूँ। इस कहानी के साथ होती है गाइस सुबह सुबह स्कूल के लिए उठने से, और मेरे लिए तो ये बोलने से, हे गाइस गुड मॉर्निंग वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। फिर गाइस विद इन 5 मिनट्स स्कूल के लिए रेडी हो जाते और स्कूल के लिए निकल जाते। और गाइस बहुत समय तक तो यही चलता रहता है, स्कूल जाना, उसके बाद स्कूल से आना, फिर स्कूल जाना, फिर स्कूल से आना, फिर आना जाना, आना जाना, आना जाना, लंबी खामोशी। तो गाइस ये सब के सब है मेरे स्कूल के दोस्त, जो कि गाइस पूरे समय मेरे को एक ही चीज़ करते हुए दिखते हैं। क्या तुम पढ़ाई सोच रहे हो? पढ़ाई नहीं गाइस, और वो है गाइस बाल सेट करना। गाइस पूरे समय गाइस इनके हाथ बालों में रहते थे, पता नहीं क्या करते रहते। और अगर तुमने इनसे पूछ ले कि भाई कितने बाल सेट करोगे, तो इनका बस एक ही जवाब रहता, भाई जब भी आम पे तो आई नो, आम पे तो आई नो। और गाइस फिर ऐसे ही देखते देखते पता नहीं कब समय पूरा निकल जाता है, पता ही नहीं लगता। और फिर आता है एक दिन, ये दिन आते ही गाइस इंसान को समय की सही वैल्यू पता लग जाती है। ये दिन आते ही गाइस इंसान दिन रात एक करके पढ़ाई करता है, उसको अपने सारी गलतियाँ सारे पाप आंखों के सामने दिखते हैं, और यही करते करते भगवान जी से बस एक ही दुआ करता है वो। डरे सहमे सब भगवान के साथ डील स्ट्राइक करने में लगे थे। प्रभु बस इलेक्ट्रॉनिक संभालने में नारियल फोड़ूंगा। नाग देवता मेरा फिजिक्स बचा लेना, रोज 1 लीटर दूध भिजवाऊंगा। हे गौ माता बस बस पासिंग मार्क्स दिला देना। भगवान मालती और संगीता को अपनी बहन की नजर से देखूंगा, बस रिजल्ट संभाल लेना। भगवान भगवान मैं 100 रुपए पर मंथ चढ़ाऊंगा, भगवान पक्का, भगवान प्रॉमिस। 100 रुपए में तो आजकल ट्रैफिक हवलदार भी नहीं मानते। उसके बाद गाइस हमें दिखता है सिलेबस, जिसके अंदर एक बुक, जिसके अंदर एक चैप्टर, और उस एक चैप्टर के अंदर 100 पेज, और 100 पेजों में हजारों क्वेश्चन जिसको हमें अच्छी तरह करना पड़ता है। गाइस ये बुक इतनी खतरनाक है, क्या बताऊँ आपको। वैसे हाँ एक चीज़ गाइस अभी भी मैं बता सकता हूँ आपको, कि मेरी मोदी से दरख्वास्त है, मैं मोदी साहब से गुजारिश करता, ये जो बुक है ना गाइस, ये हर किसी महिला बच्चे बड़े हर किसी के हाथों में होनी चाहिए। भले वो उठा नहीं पाए इस बुक को, इतनी भारी है बुक, लेकिन फिर भी हर किसी को रहनी चाहिए। क्यों मैं आपको अभी बताता हूँ, यहाँ पे चोर को रेडी होने दो पहले, फिर बताऊंगा आपको। देखा गया आपने, ये जो बुक है ये पढ़ाई के साथ साथ सेल्फ डिफेंस के भी बहुत ज्यादा काम आती है, बहुत ही ज्यादा। आप देख सकते हो इसकी हालत कितनी खराब हो चुकी है। और अगर गलती से गाइस मैंने आज ये तीनों बुक एक साथ लेके इसको मार दी होती, तो आप सोच भी नहीं सकते कि इससे आदमी कोमा में ही जा सकता है। तो बहुत खतरनाक है गाइस ये बुक्स, इसलिए सेल्फ डिफेंस के लिए हर किसी के पास होनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। आप देख सकते हो कितना नेचुरल एक्टिंग करते हो, नीचे पड़ा हुआ है बेचारे का चाकू भी, ऐसा है ये मेरे को लूटने आया था, अब ये खुद लूटी है। किसी के पास भी अगर ऐसी बुक दिखे तो सावधान रहे, सतर्क रहे, ऐसे समय में सही यही है कि वक्त रहते अपने कदम पीछे बढ़ा ले और खुद कमाए मेहनत से। ऐसे हालात में बेहतर यही है कि वक्त रहते इंसान सतर्क होकर अपने जज्बात को काबू में रखकर अपने कदम पीछे हटा ले और अपनी जिंदगी को एक नई दिशा की तरफ मोड़ने की कोशिश करे। तो इस क्लास 12th में बीच में मैंने वीडियो बनाना छोड़ दिया था थोड़े दिनों के लिए, लेकिन फिर भी बीच में बहुत सारी ऐसी चीजें हुई थी इसकी मैंने वीडियो बनाई, जैसे कि ये बर्थडे था मेरा गाइस, तो मैंने कुछ जनों को मेरे दोस्तों को पार्टी दी थी।
उसके बाद गाइस हमारे वाइवा स्टार्ट हो गए जिसमें से 20 मार्क्स जाने थे, तो बहुत इंपॉर्टेंट था वो। तो स्कूल वाले गाइस हमें बोरी की तरह बस में भर दिया सबको एक साथ, जितना बैठने की जगह भी नहीं मिल रही थी बहुत सो, जैसे कि मैं, बाकी फिर भी हम बैठ के निकल गए थे दूसरे स्कूल के लिए, जो अपने स्कूल की दूसरी ब्रांच थी वहाँ पे गाइस वाइवा वाले बाहर से टीचर आते थे उनने लिया था, बहुत स्केरी था गाइस ये सच्ची। बाकी वो वाइवा वाला क्लासरूम है गाइस, यहाँ पे सब बच्चे बैठे हुए। खैर यहाँ से वापस जाते हुए मेरे दोस्त इतने खुश होते थे, इनकी हरकतें बिल्कुल भी चेंज नहीं होती थी। अब इसी सब ब्लॉग में रहेगा मेरे। इसके बाद भी गाइस बहुत सारे फेस्टिवल आए बीच में, जैसे कि ये सॉरी अच्छा स्थापित करें। अच्छा और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं बता पहले। खाना है क्योंकि आज दिवाली है। बस खाना है, खाना है। और पटाखे जलाएंगे और हम मजे करेंगे और डांस करेंगे। डांस भी, हाँ चलो डांस करोगे ना पक्का भोजपुरी गाने हुए। इसको करवाएंगे पहले इसको। और इन सब के बाद फाइनली वो दिन आ गया, वाइवा हमारे ख़त्म हो गए, प्रैक्टिकल ख़त्म हो गए। इतनी खुशी आपको हमारे चेहरे पे दिख रही होगी, क्या बताऊँ कैसा लगा प्रैक्टिकल, कैसा गया तेरा बिजनेस का बिगड़ गया, अकाउंटेंसी का सही गया, बाकी सब तो बढ़िया था, टीचर का ठीक थी। खैर इनकी हरकतें यहाँ पे भी चेंज नहीं हुई, और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ खुद ही समझ जाओगे ना, उसमें क्या दिक्कत है भाई, लड़की को दिखा व्यूज, लिटरली बोल रहे हैं कि लड़की को दिखा व्यूज मिल जाएंगे। अबे साले जो माफ करना, मैं जो मेरे भाइयों। खैर जब हम लास्ट वाइवा देखे रहे थे सब बच्चे इतना खुश थे, और खुशी में क्या गाना गा रहे थे आप भी सुनो। चलो गाइस बैठ जाओ, आखिरी बार क्यों आखिरी बार भाई, ये गिराएगा था भाई, वीडियो ऑन तो है ना, मोबाइल को सीधा ऐसे इज्जतदार व्यक्ति को, इज्जतदार हमारे चला दिखता चाबू जैसा भाई, इज्जत कचरे वाले की तो ज्यादा इज्जत है, कचरे वाले की पहले तेरे को फेंकेंगे, ज्यादा बड़बड़ कर रहा है, पागल के उतारेंगे इज्जत से, हाँ इज्जत से फेंकूंगा इज्जत से, गाड़ी पूरा वो देखो वो जा रही है आगे। अरे वो काट तो अपनी तो भैंस की टांग, अरे यार इस गरीब को छोड़ने का काम कर रहे हैं यार, गरीब ये साला कचरे वाला अपनी गाड़ी नहीं लेके आया, जो दूसरे की गाड़ी अपनी गाड़ी पे तो गाड़ी लेके खड़ी है, टीयूवी कार। इसकी आवाज सुन के आप समझ गए होंगे कि टीयूवी का नाम फर्स्ट टाइम सुना है इसने। कहते हम तुमको रुक जा भाई, इसी को तो ये देखो मेरी लुगाई, अरे बस बस चल लिखा, इट्स लास्ट टाइम ब्रो, ये टाइटल में फोटो लाऊंगा स्माइल। लेकिन गाइस सच बात तो यही है कि लाइफ के अधिकतर मजे गाइस स्कूल लाइफ में ही आते हैं, क्योंकि इसके बाद इंसान बहुत ज़्यादा बिजी हो जाता है ना, उनको ऐसे दोस्त मिलते हैं फिर, और ना ऐसा समय मिलता है फिर। ऐसे मुझे मेरे बहुत से रिलेटिव्स और दोस्त वगैरह बोलते थे, लेकिन मैं उन बातों पर ध्यान नहीं देता था उस समय, लेकिन अब जाके फील होता है। तो हिम्मत जब भी ओहो Yeah!
कैसा रहा रिजल्ट? एक मिनट, वो डाल लो रोल नंबर। क्या हुआ? चेक कर रहा हूँ, रोल नंबर डाल रहा हूँ। या मम्मा जी, हाँ? नंबर समेत दबाना है मुझे, एक फिर रिजल्ट आ जाएगा। मेरे में सबर नहीं है, ये मुझे बहुत डर लग रहा है। कर, डर लग रहा है यार। कर जो मैंने बोला है। लिटरली बता रहा हूँ, इस फोन पे इतना डर लग रहा था मुझे कि रिजल्ट बेकार आया तो क्या हालत होगी मेरी। रिजल्ट आया है। क्या है रिजल्ट? रिजल्ट आ गया मम्मी। क्या बता? रिजल्ट आ गया मम्मी। बताना। सॉरी, वो बिग बॉस के प्रो में चला गया था। मैं पास हो गया। मैं पास हो गया सच में? ओह माय गॉड। कैसा लग रहा है मम्मी आपको, ये बताओ। तो गाइस, आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई हो। कुछ भी पसंद हो तो लाइक कर देना, अच्छे भी नए हो सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, वीडियो एंड हो चुकी है, और गाइस सच्ची में इस वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगी है, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर से कर देना यार। ये सच्ची में क्लास 12 की जो मेरी जर्नी है ना, मेरे को बहुत अच्छी लगी, यादगार रही, बहुत सारी चीज़ें सिखा के गई, और आज कॉलेज में आ चुका हूँ मैं। बहुत खुशी है मुझे इस चीज़ की। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में कल सुबह। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।